हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं TNEA 2023 के बारे में। जैसे आप लोग का TNEA 2023 का हर एक ए टू जेड कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे गाइस आप लोगों को TNEA 2023 के रिगार्डिंग हर एक ऑफिशियल अपडेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको नोटिफाई किया जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे TNEA का फुल फॉर्म, तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन TNEA का फुल फॉर्म है। ये एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है अन्ना यूनिवर्सिटी के थ्रू। इस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को गाइस इंजीनियरिंग कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। स्टेट लेवल का एग्जाम है, सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के लिए एग्जाम है। और यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के रिगार्डिंग यहाँ पे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग एडमिशन चाहिए तो आप लोगों को TNEA का एग्जाम क्लियर करके क्रैक करना कंपलसरी मैंडेटरी है, ये आपको माइंड में रखना है। अब इसके बारे में डिटेल में जाना शुरू करते हैं। लाइक इसकी डेट्स की बात की जाए तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे मे के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। एंड आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है गाइस यहाँ पे जून के फोर्थ वीक में आप लोगों की मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू डेट अनाउंस नहीं की गई है, जैसे ऑफिशियल अथॉरिटी डेट अनाउंस करेगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे सेपरेटली। एंड आपको हर एक इवेंट की डेट सेपरेटली जो है एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट मोमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब कोई भी गलती करते हैं, कोई भी मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स अगर आपने एंटर की तो गाइस आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है, मे बी आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो। अब गाइस ये क्यों होता है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है, एप्लीकेंट्स है, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, कोई आइडिया नहीं होता किस तरह से एप्लीकेशन फिल करना है, डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर किस तरह से स्कैन करके अपलोड करना है, किस प्रिस्क्राइब साइज में फॉर्मेट में, जस्ट किसी भी तरह से एप्लीकेशन फिल किया एंड सबमिट कर देते हैं और इस वजह से उनका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाता है। तो गाइस आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आपको पे करके बताया जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। बात कीजिए एप्लीकेशन फी की तो गाइस यहाँ पे जनरल एप्लीकेंट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी है, रिजर्व कास्ट कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। अब आते गाइस नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे अगेन तमिलनाडु से आप लोग जो है 8, 9, 10, 11 and 12 पास आउट रहने चाहिए यहाँ पे। फिर आपके पास यहाँ पे जो है नेटिविटी यहाँ पे सर्टिफिकेट रहनी चाहिए आप लोगों के पास। देन आउटसाइड तमिलनाडु स्टेट के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट बतानी होगी। और उसी के साथ गाइस यहाँ पे जो एप्लीकेंट श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजी है जो कि स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट में, वो भी यहाँ पे जो है कंपटीशन में यहाँ पे जो कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि अगर उनके पास जो आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया गया रहेगा बाय हेडक्वार्टर तहसीलदार, तो यहाँ पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस इसके बाद आप लोगों का गाइस एग्जाम होने के बाद आपका कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, रैंक लिस्ट रिलीज की जाएगी, उसमें आपका नाम होगा, फिर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा विद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। एंड फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। सो गाइस ये सारे जो प्रोसेस, सारे इवेंट्स होने वाले, जैसे इवेंट्स होने वाले रहेंगे उसके ऊपर हम एक सेपरेट लाइव वीडियो बनाएंगे हर एक इवेंट के लिए, और उस पर्टिकुलर इवेंट में आपको कंप्लीटली यहाँ पे उस पर्टिकुलर वीडियो में उस पर्टिकुलर इवेंट का कंप्लीट डिटेल आपको लाइव करके बताएंगे। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है एंड आपका वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस नाउ आई होप कि अभी आप लोगों को जो TNEA 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इन केस कुछ डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।